नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा गौर, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाला पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 अपने ड्रामा, कंट्रोवर्सी और हाई एक्टिंग एंटरटेनमेंट से ऑडियंस को खूब मनोरंजित कर रहा है। शो को हाल ही में 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिला है और इसी के साथ बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। शो में सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस आशिका भाटिया और एल्विस यादव वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 2 के घर में एंट्री ले चुके हैं। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों पर्सनालिटीज आखिर हैं कौन। एल्विस यादव एक फेमस हरियाणवी यूट्यूबर हैं, उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एल्विस को इंस्टाग्राम पर भी 5 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। एल्विस यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो बनाने और रोस्ट करने के लिए मशहूर हैं, जबकि आशिका भाटिया सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेमस चेहरों में से एक है। आशिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के अलावा एक्ट्रेस भी हैं। वो परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी में गुणवंत कौर अलवालिया का रोल प्ले कर घर घर फेमस हुई थी। उन्होंने फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की बहन की भूमिका से लाखों का दिल जीता था। आशिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में की थी। इसके अलावा एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 5.7 मिलियन फॉलोअर्स का बहुत बड़ा फैन बेस भी है। आशिका और एल्विस दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों की जुबानी जंग सोशल मीडिया पर मशहूर है, जिसकी शुरुआत एल्विस यादव ने की थी। दरअसल एल्विस ने अपने एक रोस्ट वीडियो में आशिका को बंपर कह दिया था, जिसके बाद आशिका ने भी एल्विस को आड़े हाथों लिया था। खैर, अभी तक आशिका और एल्विस के बीच कोई भी घमासान बीबी हाउस में देखने को नहीं मिली है। दोनों को एक साथ बुटरगू करते हुए देखा जा रहा है। खैर, फैंस इंतजार कर रहे हैं कि दोनों के बीच कब घमासान होगा। ये तो थी बिग बॉस ओटीटी 2 से जुड़ी जानकारी। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी बिग बॉस से जुड़ी नई जानकारी के साथ।